आज की इस क्लास में करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारा मार्च 2024 के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है। बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस के एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, ऑल गवर्नमेंट, जितने भी स्टेट या गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, हर किसी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, उसके बाद कॉन्फ्रेंसेज हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, इकोनॉमिक बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, हर किसी तरीके से जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो मार्च 2024 के लिए आपकी एक क्लास रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे पहले सेप्टिक टैंक, सफाई रोबोट का नाम क्या है? आपको बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट, ऐसा रोबोट जो कि उस टैंक की सफाई कर रहा है। तो उसका जो नाम रखा गया है वो है होमो सैप एटम। होमो सैप एटम इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑप्शन दिए गए हैं, डायरेक्ट सिर्फ आपको रीड करना है, जो चीजें याद में रहती हैं वो आपको माइंड में रखनी है। बाकी डिटेल में अगर आपको स्टडी करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा मैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है इंडिया का, उसने ये पूरे भारत के लगभग 16 शहरों तक इसका, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो कर दिया है, और उसको जो डिस्कवर किया गया है वो IIT मद्रास के द्वारा इसकी खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अडानी समूह द्वारा गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का अनावरण कहाँ पे किया गया है? ये जो गोला बारूद होता है, मिसाइलें होती हैं, गोला बारूद होता है, ये जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अडानी ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में कहाँ पे इसको शुरुआत की है, कहाँ पे इसको बनाना शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश में कानपुर जगह है, वहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है। ये देश का पहला है, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इंडिया का पहला ऐसा गोला बारूद मिसाइल का निर्माण जो है वो किया जा रहा है एक निजी क्षेत्र में, ठीक है, एक प्राइवेट सेक्टर में इसका जो है वो पहली बार ये कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री जो है वो खोली गई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, वो भी साथ में थे जब इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पहली वैदिक घड़ी कहाँ पे स्थापित की गई है? वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक हैज बीन इंस्टॉल्ड इन उज्जैन। उज्जैन में इसको स्थापित किया गया है। उज्जैन है हमारा मध्य प्रदेश में, MP में है, और वहां पे दुनिया की पहली, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं वो यूनिक लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं, थोड़े हटके क्वेश्चन, स्टैटिक GK के नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस चीज़ की उद्घाटन किया, कौन सी चीज़ उनके द्वारा खोली गई, नहीं। तो अब थोड़े से नए पैटर्न के क्वेश्चन जो वर्ल्ड लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे इंडिया में कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दुनिया की पहली जो वैदिक घड़ी है, वैदिक क्लॉक है, उसको स्थापित किया गया है उज्जैन में। उज्जैन है मध्य प्रदेश में, और इस घड़ी शहर के जंतर मंतर पर बने 85 फुट ऊंचे टावर पर ये लगाई गई है। एक वहां पे टावर है, उसके ऊपर इस घड़ी को जो है वो स्थापित किया गया है। ये घड़ी जो है वो IST, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, और जो ग्रीनविच टाइम होता है, दोनों में उस चीज को ये शो करेगी। समय की गणना एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक आधारित है, और इस घड़ी की समय अवधि को 30 भागों में विभाजित किया गया, 30 इसके सब पार्ट किए गए हैं, और उसमें 1 आवर जो है वो 48 मिनट का होगा। देखिए यूनिक क्वेश्चन बनाया गया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, लेकिन इस घड़ी में जो वैदिक घड़ी है उसमें 1 घंटे को जो है वो 48 मिनट के साथ कंपेयर किया गया है। कुछ नए लेवल की ये घड़ी है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, क्रांतिकारी इमेजिंग तकनीक के लिए एडिस और पीटर ओ डोनेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दो व्यक्ति हैं, एडिथ और पीटर, उनको इमेजिंग टेक्निक के लिए अवार्ड दिया गया है। उस अवार्ड का नाम है डोनेल अवार्ड।
तो वो किसे प्राप्त हुआ है? एडिथ और पीटर, जो टेक्निक है, दो लोग उन्होंने उनको काम किया गया था, तो जो प्रोफेसर हैं अशोक वीर राघवन, उनको ये अवार्ड मिला है। इंडिया के रहने वाले हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, इनको इस अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने मतदाता पहुंच के लिए किन दो संगठनों के साथ समझौता किया है, MOU पर साइन किए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा? तो वो किए गए हैं भारतीय बैंक संघ और डाक विभाग के द्वारा, इंडियन बैंक एसोसिएशन और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ समझौता किया गया है। आपने देखा होगा कि जब 26 जनवरी का दिन था, तो जो इंडिया में फ्लैग जो बांटे जा रहे थे, वो इंडिया पोस्ट के साथ बांटे जा रहे थे। इंडिया पोस्ट को वो जिम्मेदारी दी गई थी ताकि वो उस चीज को घर घर तक पहुंचाए। तो वैसे ही अब चुनाव जो है वो आने वाले हैं, अप्रैल में चुनाव जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे हमारी ऑल इंडिया गवर्नमेंट के लिए। तो उस चीज की जो आगामी जो हमारे लोकसभा के अब चुनाव हो रहे हैं, ताकि हर मतदाता तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि वोट देना क्यों जरूरी है, तो ये समझौता किया गया है भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक एसोसिएशन और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ। तो फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरे राज्य स्तरीय शहरी समृद्धि उत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पे सेकेंड स्टेट लेवल अर्बन प्रोस्पेरिटी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड किया गया? वो स्टेट है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं, जो सीएम है, उनका नाम है मणिक शाह, वहां के सीएम है। इस कार्यक्रम में मेनली जो आयोजन किया गया वो है आजीविका मिशन द्वारा जो है वो इसको ऑर्गेनाइज्ड किया गया, जो त्रिपुरा अर्बन लाइवहुड मिशन है उसके द्वारा इस पूरे कार्यक्रम को जो है वो ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट प्रश्न है, अनन्या अग्रवाल को पराजित करके इटालियन जूनियर एकल खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में जो भारतीय शटलर हैं, उनके द्वारा ये अवार्ड जीता गया है, और उन्होंने रक्षा कंडासामी को जो है वो हराया था। ये टूर्नामेंट देखिए 23-25 फरवरी तक ये चला था, 23 से 25 फरवरी तक इटली में ये हुआ था, और वहाँ पे जो है वो भारतीय खिलाड़ी जो कि अनन्या अग्रवाल हैं, उनको विजेता घोषित किया गया था। तो काफ़ी बड़ी बात है, जूनियर एकल खिताब जो है वो इनके द्वारा जीता गया है, इटालियन जूनियर सिंगल टाइटल इनके द्वारा ये जीता गया है, बैडमिंटन के ये खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले नील वैगनर किस देश के खिलाड़ी थे? ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो न्यूजीलैंड के ये खिलाड़ी हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर का क्वेश्चन बनता है, वैसे ही अलग अलग टीमों से अलग अलग क्रिकेटर जो हैं उनका भी क्वेश्चन हमारे लिए बन सकता है। तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में रिसेंटली में रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो उनका नाम है नील वैगनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को तमिलनाडु में कहां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखेंगे? देखिए साइंस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसरो से रिलेटेड तो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो चंद्रयान से हो, मंगलयान से हो, हर किसी तरह के क्वेश्चन इसरो से पूछे जाते हैं। तो ये सेकंड स्पेस पोर्ट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, और इसकी जो आधारशिला है, इसकी जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन जो इसकी की गई है, वो की गई है कुल सेकरन पट्टिनम, ये एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पे जो है वो इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट जो है उसको स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इसके उद्देश्य से संबंध में आलोचनाओं का सामना करने के बावजूद रमजान से पहले विश्व की तीसरी सबसे बड़ी
मस्जिद का उद्घाटन किया। देखिए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर रहेगा अल्जीरिया, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। मस्जिद को जो है वो जामा अल जाजोर के नाम से भी जाना जाता है, उसका अनदर नेम है, इसलिए आपको ये चीज याद रखनी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद तीसरे नंबर पे जो है ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में भारत के लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऐसे कौन से पर्सन है जिनको अपॉइंट किया है, अपॉइंट एज द लोकपाल चेयरपर्सन इन इंडिया इन फेब्रवरी 2024। तो उनका नाम है न्यायमूर्ति यानी कि जस्टिस AM खानविलकर। इनको भारत में चेयरपर्सन के रूप में अभी कुछ टाइम पहले ही नियुक्त किया गया है, 2 महीने पहले, फरवरी 2024 में। बाकी डिटेल आपके पास दी गई है, आप इसको यहाँ से स्टडी करना हो तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युवा मतदाताओं को, जितने भी यूथ अभी जो वोट देंगे, जो यूथ वोटर्स हैं, उनको मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या रखा गया है? तो अभी जो एक थीम रखी गई है, जो अभी हमारे इलेक्शन होने वाले हैं नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जो उसकी थीम रखी गई है, जितने भी न्यू वोटर्स हैं, यंग वोटर्स हैं, उनको वोट देने के लिए, तो उसकी थीम है मेरा पहला वोट देश के लिए, माई फर्स्ट वोट फॉर द कंट्री। ये अभियान जो है वो 6 मार्च तक जो है वो चलाया जाएगा, क्योंकि उसके बाद पूरे भारत में इलेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे पहले पहले तक ही इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, वित्त वर्ष 25 के लिए झारखंड सरकार के बजट में घोषित कृषि ऋण माफी योजना के तहत कितनी वृद्धि की गई है? यानी कि जो अभी जो झारखंड की गवर्नमेंट है, उसमें जो फाइनेंशियल ईयर 25 अभी जो स्टार्ट हो जाएगा, 24-25 जो है, उसका जो सरकार का बजट है, उसमें कितने की वृद्धि जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में की गई है, फार्म्स लोन के लिए जो ऋण माफी योजना है, यानी कि जो लोन लेते हैं उनको माफ कर दिया जाता है, तो 2 लाख की इंक्रीमेंट जो है वो उसमें किया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के नाम से जानते हैं, जयपुर ने आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में अकादमिक सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? किसके साथ MOU जो है वो स्थापित किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा, जो कि जयपुर में है? तो वो थाईलैंड में जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट है आयुर्वेदा का, जो इंडिया में है जयपुर में, और जो अनदर कंट्री के साथ समझौता किया गया है वो है थाईलैंड। तो दोनों ने जो है वो इस आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए आयुर्वेदा को, ताकि उस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, तो वो थाईलैंड के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत शासन के अंतिम वर्षों के बारे में एक फ्रांसीसी उपन्यास स्टॉलिन काउच के बंगाली अनुवाद के लिए रोमिन रोलैंड पुस्तक का 7वां संस्करण किसने किया है? अभी हाल ही में एक बुक जो है उसका 7th एडिशन जो है वो बाहर किया गया, जिसमें जो फ्रांसीसी कवि थे, उपन्यासकार थे, स्टालिन काउच, तो बंगाली लैंग्वेज में उसका 7th उसकी बुक जो है वो निकाली गई, तो ये की गई है पंकज कुमार
चटर्जी के द्वारा। देखिए वर्ल्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल करंट अफेयर में। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने फार्मा सिटी परियोजना को छोड़ने के निर्णय की घोषणा की, जिसे प्रारंभ में 10 फार्मा गांवों के निर्माण के पक्ष में प्रस्तावित किया गया। क्वेश्चन में ये है, ऐसी कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिन्होंने डिसीजन लिया है फार्मा सिटी प्रोजेक्ट के लिए, जिन्होंने 10 फार्मा विलेज को जो है वो अपने अंडर किया है, तो वो है तेलंगाना। तेलंगाना इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारत के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? जो नए सीईओ होंगे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के, उनका नाम है सचिन जैन। वर्ल्ड गोल्ड एसोसिएशन भारत के लिए, अब ये जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है या एसोसिएशन है, ये तो पूरे दुनिया में काम करती है, लेकिन भारत की तरफ से भी उसमें एक सीईओ, एक चेयरपर्सन होता है, तो उनका नाम है सचिन जैन। अभी कुछ टाइम पहले ही इनको अपॉइंट किया गया है इस पोस्ट के लिए। किसने फरवरी 2024 में लगभग 13 वर्षों के बाद हॉकी इंडिया के सीईओ से जो है वो रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया, अभी हाल ही में दिया गया है रिजाइन हॉकी इंडिया के सीईओ की पोस्ट से, तो उनका नाम है एलेना नॉर्मन। 13 सालों के बाद जो है वो इन्होंने रेजिग्नेशन जो है वो दे दिया है हॉकी इंडिया के लिए। नेक्स्ट है, लोगो विशेषकर महिलाओं को सार्वजनिक शौचालय ढूंढने में सहायता करने के लिए रेकिट द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, नेम ऑफ द ऐप लॉन्च बाय रेकिट टू हेल्प पीपल टू फाइंड द पब्लिक टॉयलेट। एक ऐसा ऐप लॉन्च किया गया है, आपको ये बताना है कि किसके द्वारा वो लॉन्च किया गया है, कि जिससे ये पता लग सके कि यहाँ पे आसपास में पब्लिक टॉयलेट कहाँ पे है। हर किसी चीज के लिए ऐप ओपन किए जा रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, कमर्शियल यूज से रिलेटेड हो, एटीएम से रिलेटेड हो, बैंकों से रिलेटेड हो, हर किसी चीज के लिए। तो ये हार्पिक लोकेटर नाम का जो ऐप है उससे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे आसपास में पब्लिक टॉयलेट कहाँ पर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ऑयल इंडिया लिमिटेड अपना पहला वैश्विक भागीदार रोड शो कहाँ आयोजित कर रहा है? तो अबू धाबी इसका राइट आंसर रहेगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड वो जो है फर्स्ट ग्लोबल पार्टनर रोड शो कर रहा है, फर्स्ट ग्लोबल पार्टनर रोड शो, पहली बार ऐसी चीज हो रही है, तो यूएई में हो रही है, अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक उपभोक्ता इंटरनेट स्मूथ प्रोसेस की फिटनेस शाखा पेयू, जो पेमेंट प्राइवेट्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और स्वतंत्र निदेशक के रूप में, अभी किसे नामित किया गया है? जो पेयू पेमेंट्स हैं प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, तो उसके अभी हाल ही में नए चेयरमैन या डायरेक्टर आप बोल सकते हो, उनको नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, उनका नाम है रेणु सूद कन्नाड। जो भी अपॉइंटमेंट हुई हैं फरवरी 2024 में, मार्च 2024 में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको जो है वो बनेगा और यूनिक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में अब पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने अत्यधिक विवादास्पद समलैंगिकता विरोधी विधेयक को पारित किया है? अभी हाल ही में एक हाईली कंट्रोवर्शियल एंटी होमोसेक्सुअलिटी बिल पास किया गया है और वो घाना है। घाना एक देश है, उसकी पार्लियामेंट के द्वारा ये बिल जो है वो पास आउट किया गया है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल
काटामरान फेरी जहाज, ये जहाज का नाम है, कि डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए कौन सी इकाई जिम्मेदार है? यानी कि ये जो भारत का पहला जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, उसकी जो इन ऑर्गेनेटेड जो किया जा रहा है ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वो किसके द्वारा हैंडल किया गया, किसके द्वारा डिजाइन किया गया, किस कौन इसको रिस्पॉन्सिबल कर रहा है? तो वो है कोचिन शिपयार्ड, जो कि एक मान के चल सकते हैं कि एक भारत की जो है वो शिप्स को बनाने वाली एक कंपनी है, तो उसके अंडर ही ये जो चीजें जो है वो बनाई जा रही है। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है वो, उसका उद्घाटन जो है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्वोत्तर राज्य की विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ और म्यांमार के साथ मुक्त आंदोलन व्यवस्था समझौते को रद्द करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ एक प्रस्ताव अपनाया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूर्वोत्तर की सरकार है, ईस्ट में ऐसी कोई गवर्नमेंट है जहां पे भारत म्यांमार की जो सीमा है, इंडिया और म्यांमार की जो बाउंड्री लगती है, वहां पे बाड़ लगाने के लिए, ये जो यहाँ पे फेंसिंग लगाई गई है, उसके खिलाफ एक प्रस्ताव अपनाया गया है, एक फ्री मूवमेंट एग्रीमेंट जो है वो वहां के लिए लगाया गया है, तो वो है मिजोरम, मिजोरम गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MoSPI और इसरो के बीच जो अभी समझौता हुआ है, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर उपयोग किया जा रहा है? तो ये क्वेश्चन में पूछा है, तो वो है डिजिटल मोड में, और उसका नाम है भुवन। डिजिटल मोड में उसका यूज किया जा रहा है, जो कि है भुवन। अर्बन फ्रेम सर्वे जो है, UFS, डिजिटल मोड एज पर द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन MoSPI एंड इसरो, भुवन इसका राइट आंसर रहेगा। जो SPI और इसरो के बीच समझौता हुआ है, उनके अनुसार डिजिटल मोड में जो UFS है, अर्बन फ्रेम सर्वे है, उसमें भुवन का जो है वो मोस्टली यूज किया जा रहा है। ये जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है भुवन। भुवन क्या है? एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में किस सरकार में सरकारी नौकरी पाने के लिए दो बच्चों के नियम को बरकरार रखा है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी कुछ टाइम पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जिसमें अगर किसी पेड़ की एज 65 या 50 से ज्यादा हो जाती है, किसी एक पेड़ है जो कि 50 साल पुराना है, तो उस पेड़ की रखवाली करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी एक पर्सन को पेंशन दी जाती है ईयरली 2,000 रुपीज, तो वो हरियाणा गवर्नमेंट है। अभी कुछ टाइम पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो यूनिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस क्वेश्चन में पूछा गया, इन विच स्टेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड टू चाइल्ड रूल टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, दो बच्चों के लिए सरकारी नौकरी का जो रूल है उसको एज इट इज रखा, तो वो है राजस्थान गवर्नमेंट। इसमें कुछ टाइम पहले ऐसी चीज हुई थी 2001 में, जिसमें बताया गया था कि अगर किसी फैमिली में दो बच्चे हैं तो उनको गवर्नमेंट जॉब जो है वो दी जा सकती है, तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट नहीं किया है, इसको एज इट इज जो है वो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखे गए VSHORADS का अर्थ क्या होता है? आपको फुल फॉर्म पूछिए यहाँ पे कि ये चीज है क्या। इसका जो नेम है वो है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अब आपसे फुल फॉर्म भी आ सकती है, जैसे हम जनरल साइंस में LPG की फुल फॉर्म, CNG की फुल फॉर्म पढ़ते हैं, तो वैसे यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन में कोई डिफरेंट आपको फुल फॉर्म जो है वो पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है, ईरान ने किस देश से पार्श्व नामक घरेलू रूप से विकसित इमेजिंग उपग्रह लॉन्च किया
किया है। तो ईरान ने अभी हाल ही में डोमेस्टिकली डेवलप जो इमेजिंग सैटेलाइट है जिसका नाम है पार्स वन, उसको लॉन्च किया है। तो ये किस देश से उन्होंने प्राप्त किया, किस देश से उनके द्वारा बनाया गया? तो रूस ने बनाया था। पार्स वन जो सैटेलाइट है वो रूस के द्वारा बनाई गई थी और लॉन्च की गई है ईरान के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एनटीपीसी लिमिटेड में निर्देशन संचालक के रूप में भूमिका संभाली है? तो ऐसे आपको व्यक्ति का नाम बताना है जो कि डायरेक्टर अभी हाल ही में बनाए गए हैं एनटीपीसी के, जो एनटीपीसी कंपनी है उसके हाल ही में नए डायरेक्टर बनाए गए हैं जिनका नाम है रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार जी को एनटीपीसी का जो है वो अभी हाल ही में डायरेक्टर बनाया गया है। नेक्स्ट है, उन्नत वायरलेस प्रौद्योगिकी और विशेषता तक पहुंचना प्रदान करके दूर संचार समाधानों में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा को तेज करने के लिए किन दो संगठनों ने साझेदारी की है? तो ऐसे आपको दो ऑर्गेनाइजेशन बताने हैं जिन्होंने प्रोवाइड करवाया है वायरलेस टेक्नोलॉजी को। एट प्रेजेंट टाइम अब भारत जो है वो आत्मनिर्भर की तरफ जो है वो बन रहा है, सेल्फ रिलायंस की तरफ जो है इसको प्रमोट किया जा रहा है आत्मनिर्भरता की तरफ। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने वायरलेस टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा प्रमोट किया है? तो उसका नाम है सी डॉट एंड क्वालकॉम। सी डॉट एंड क्वालकॉम, अब यूनिक से नेम यहां पे बताए गए हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर टेलीमेटिक्स डेवलपमेंट, DOT। सी डॉट की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेटिकस, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके साथ साथ क्वालकॉम के साथ भी इन्होंने साझेदारी जो है वो की है ताकि वो ज्यादा से अच्छे से एडवांस तरीके से वायरलेस टेक्नोलॉजी को जो है वो प्रोवाइड करवा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने 0.88% मासिक निश्चित दर पर स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लॉन्च किया है? क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछे जा सकते हैं और उसका सही आंसर रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक। कई बार एड भी आती है इसकी, स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन, इनके द्वारा एक नई स्कीम स्टार्ट की गई है और ये इस बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में ये अमाउंट दिया गया है 39,125.39 करोड़ रुपए के 5 प्रमुख अधिग्रहण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडिया इसका राइट आंसर रहेगा। इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किए गए हैं जिसमें 39,125.39 करोड़ रुपए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और उसमें मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत की बात की गई है, सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात की गई है, उसका इनिशिएटिव जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस राज्य सरकार ने वित्त पोषित सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना की शुरुआत की है? जैसे हिमकेयर योजना हिमाचल की योजना है, अटल पेंशन योजना भारत की योजना है, वैसे ही किसी राज्य या सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीमों के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे अभी आपको पता होगा, अभी कुछ टाइम पहले सुक्खू सरकार जो कि हिमाचल गवर्नमेंट में CM है, उनके द्वारा 1500 की एक नई स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी अभी कुछ टाइम पहले, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2024 से होनी थी, जिसमें बताया गया कि हिमाचल की हर महिला को, हर वुमेन को जो 18 से 60 साल की हैं, उनको 1500 रुपये महीने जो है वो पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। तो स्कीम का नाम रखा गया था इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना किस राज्य सरकार की योजना है, किस स्टेट गवर्नमेंट की ये इंपॉर्टेंट स्कीम है?
तो वो हिमाचल की स्कीम है। वैसे ही नागालैंड की भी एक स्कीम के बारे में यहाँ पे बताया गया, जिसमें कहा गया यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना, यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, ये नागालैंड की स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में किस मंत्रालय ने पोषण उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया? तो अभी हाल ही में 2024 में पोषण उत्सव प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। विश्व के सबसे बड़े सांप की नई प्रजाति का वैज्ञानिक नाम बताना है, क्या उसका नाम है, साइंटिफिक नेम बताना। भी हाल ही में सबसे बड़ा, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक को डिस्कवर किया गया है, उसका साइंटिफिक नेम है यूनेक्टस ओकियामा। एक अभी हाल ही में अमेजोन के फॉरेस्ट में इस सांप की प्रजाति को जो है वो डिस्कवर किया गया है। तो 20 फुट जो है इस सांप का लगभग लंबाई जो है वो रहती है। नेक्स्ट, 2024 में रिलीज होने वाली लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी की पहली पुस्तक का शीर्षक क्या है? करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इस तरीके से बनते हैं, जो कि वर्ल्ड में कोई बड़ा है, कोई कब सबसे ज्यादा ऊंचा है, जो फर्स्ट टाइम हो रहा है, जो थर्ड टाइम हो रहा है, जो थोड़ा सा यूनिक हो रहा है, तो उस तरीके से बनेंगे। जो अब इस पुस्तक का नाम रखा गया है, जो लक्ष्मी मुर्देश्वर की पहली बुक रिलीज होने जा रही है, उसका नाम रखा गया है स्लोइंग द सन। स्लोइंग द सन जो है वो इस फर्स्ट बुक का नाम है, जो अभी हाल ही में लॉन्च होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो डिफेंस में NSG कमांडोज होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनके नए डायरेक्टर अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू डायरेक्टर? तो उनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी जो है वो अभी NSG जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनके नए डायरेक्टर के रूप में उनको अपॉइंट किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा मिलानो कैलिमिस द्रौपदी किस चीज़ से रिलेट है? अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी ये इसकी डिस्कशन चली थी अभी हाल ही रिसेंटली। तो ये जो है वो एक समुद्री प्रजाति है, मैरीन स्पाइसेस है, सॉरी स्पीसीज है, स्पाइसेस नहीं आएगा, स्पीसीज आएगा, क्योंकि प्रजाति है। तो ये कुछ टाइम पहले काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी इसको बताया जा रहा था। तो ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसकी डिस्कवरी की गई है, और इस प्रजाति का नाम भारत की जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, द्रौपदी मुर्मू के नाम पे जो है वो रखा गया है। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक बन जाता है। क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में ओशन ग्रेस नामक ASTDS टग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सर्बानंद सोनेवाला के द्वारा। ओशियन ग्रेस जिसका नाम रखा गया है, एक ये जो है वो एक तरीके का होटल मान सकते हैं ये, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जलमार्ग मंत्री हैं उनके द्वारा एक छोटी नाव ही हम इसको बोल सकते हैं, जो कि जिसमें सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया गया, तो उसका जो नाम रखा गया है वो है ओशन ग्रेस। अगला प्रश्न है, आदिति योजना देखिए किस फील्ड से रिलेट करती है? आदिति योजना ये रक्षा क्षेत्र, डिफेंस से रिलेटेड है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आदिति योजना किस चीज के साथ रिलेट करती है, किस एरिया को कवर करती है? डिफेंस सेक्टर को कवर करती है, डिफेंस सेक्टर को। ये जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो CM हो, PM हो, हमारे सेंटर के मिनिस्टर्स हैं, खेल मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये सभी आपको CM और PM, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट,
लोकसभा के अध्यक्ष, उनके प्रेसिडेंट, राज्यसभा के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वो आपको सभी जो है वो पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में न्यू चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं मार्च 2024 में, अभी कुछ टाइम पहले ही इनको अपॉइंट किया गया है। उनका नाम है ब्रिजेश मेहरोत्रा, मेहरोत्रा इनका नाम है, ब्रिजेश मेहरोत्रा। महाराष्ट्र के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है एस चोकलिंगम। नए जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं महाराष्ट्र के, वो अभी बनाए गए हैं, उनका नाम है एस चोकलिंगम, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में स्टेनलेस स्टील में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कि स्टेनलेस स्टील सेक्टर से जुड़ा हुआ है, उसका उद्घाटन किया गया मार्च 2024 में हिसार में, हरियाणा में जो है वो इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंटर ऑपरेबल पेमेंट सिस्टम लॉन्च के लिए आरबीआई ने किस प्रणाली के आवश्यक मंजूरी दे दी है? तो अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा एक इंफॉर्मेशन को अप्रूव किया गया है जो कि पेमेंट सिस्टम के लिए जरूरी है इंटरनेट बैंकिंग के लिए, तो है बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। अभी आपको पता होगा कुछ टाइम के लिए पेटीएम के ऊपर बैन लगाया गया है, एट प्रेजेंट टाइम भी पेटीएम को बंद कर दिया गया है, उसमें पेमेंट्स आ सकती हैं लेकिन हम अपनी तरफ से, सॉरी उसमें पेमेंट नहीं आ सकती हैं लेकिन जो उसमें अभी अमाउंट है हम उसको सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर नई पेमेंट को हम नहीं ले सकते, तो पेटीएम के ऊपर आरबीआई ने बैन लगा दिया गया एट दिस प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? उनका नाम है असलम इमामदार, और जो अभी आईपीएल हो रहा है 2024 का, वहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये खिलाड़ी जो है वो प्रो कबड्डी सीजन 10 जो होने वाला है उसके सबसे महंगे खिलाड़ी जो हैं ये रहे हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है सीजन 10 के कबड्डी के, वो असलम मुस्तफ़ा इमामदार इनका नाम है, ये पुनेरी पल्टन के खिलाड़ी हैं और सबसे ज़्यादा महंगे ये खिलाड़ी बिके हैं। 2024 में बैक टू बैक जीत हासिल करते हुए मैक्सिकन ओपन का खिताब किसने जीता है? तो डी मिनोर के द्वारा ये खिताब जीता गया है, मैक्सिकन ओपन टाइटल जो है वो अभी जीता है डी मिनोर के द्वारा। चेन्नई के निकट चेटू मेदु पाथुर में खोजा गया नया स्थल किस युग से संबंधित है? ये थोड़ा हिस्ट्री लेवल का क्वेश्चन है, किस इरा के साथ इसको रिलेट किया गया है? अभी चेन्नई में एक नया स्थल जो है जिसकी डिस्कवरी की गई है न्यू साइट की, तो वो रिलेट है नवपाषाण युग से, न्यूलिथिक जो आप सोशल स्टडी में डिस्कस करते हैं तो उसके साथ ये रिलेट करता है। नेक्स्ट है, रिसा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है? जैसे नाटी से क्वेश्चन आ सकता है, पहाड़ी टोपी से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये जीआई टैग से क्वेश्चन है, कांगड़ा चाय को भी जीआई टैग जो है वो मिला है, उसके जो काला जीरा जो कि किन्नौर में पाया जाता है उसको भी जीआई टैग मिला है, तो वैसे ही रिस्सा को जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडेक्स जिसकी पहचान पूरे वर्ल्ड में की जाती है, तो ये रिस्सा जो है ये एक पोशाक है, ये एक ट्राइबल ड्रेस है त्रिपुरा की, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग जो है वो दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए रहेगा। सो ये हमारे सारे एमसीक्यू क्वेश्चन थे, अब एक बार हल्का सा वन लाइनर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, मोस्टली 20-25 क्वेश्चन ये हमारे रहेंगे। सो रक्षा सुरक्षा कोर ने 25 फरवरी 2024 को अपना 77th अपना एस्टेब्लिशमेंट डे जो है वो मनाया है। जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए
कुछ क्वेश्चन वहीं से रिलेटेड होंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा लॉन्च किए गए निवेशक सूचना और विश्लेषण मंच किस संस्थान ने विकसित किया है? तो इन्वेस्टियर इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर के द्वारा। इसको डेवलप किया गया था आईआईटी मद्रास के द्वारा। एनजीओ दिवस 2024 की थीम क्या रखी गई थी? जो वर्ल्ड एनजीओ डे 2024 था उसकी थीम रखी गई थी बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर द रोल ऑफ एनजीओ इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आपको अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, थीम से रिलेटेड और डेज से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे आपके एग्जाम के लिए। भारत के सबसे पहले सेफ्टी टैंक सफाई रोबोट का नाम रखा गया है होमोसेप एटम, जिसको आईआईटी मद्रास के द्वारा डिस्कवरी उसकी की गई है। ये हमारे जो वन लाइनर क्वेश्चन है हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अडानी ग्रुप ऑफ के द्वारा जो है वो यूपी के कानपुर में गोला बारूद मिसाइल की जो फैक्ट्री है उसको स्टार्ट जो है वो किया गया है। भारत की पहली वैदिक क्लॉक जो है वो उज्जैन में स्थापित की गई है। इमेजिंग टेक्निक के लिए ऑर्डिनल पुरस्कार अशोक वीर राघवन को दिया गया है। और चुनाव के लिए जो इलेक्शन कमीशन है अभी उसने समझौता किया है आईबीए और डाक विभाग के साथ, ताकि हर किसी को वोट का महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो पता लगे। दूसरे राज्य स्तरीय शहरी समृद्धि उत्सव का उद्घाटन जो किया गया है अर्बन प्रोस्पेरिटी फेस्टिवल, ये त्रिपुरा में किया गया है। अनन्या अग्रवाल को इटालियन जूनियर एकल खिताब दिया गया है, लेकिन वो जीती हैं रक्षा कंडासामी से बैडमिंटन में। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? श्रीधन पिल्लई के द्वारा लिखी गई है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित नवीन दूर संचार समाधानों के लिए 14th एजिस ग्राहम बेल अवार्ड से 3 श्रेणियों में किसे विजेता घोषित किया गया है? अभी एक अवार्ड जो है वो ग्राहम बेल अवार्ड है, उसके जो विजेता हैं वो हैं सी डॉट सेंटर फॉर डेवलपमेंट टेलीमेटिक्स, क्योंकि ग्राहम बेल को रिलेट किया जाता है फोन से। फोन की डिस्कवरी जो है, टेलीफोन की डिस्कवरी ग्राहम बेल के द्वारा की गई थी, और इस वायरलेस टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। फ्रांसीसी नौसेना प्रमुख कौन है? जो फ्रेंच नेवी चीफ है उनका नाम पूछा गया है, जो कि अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर आए हैं, विजिटिंग ऑफिशियल विजिटिंग पर आए हैं। उनका नाम है एडमिरल पिर्रे वोंडियर। नेक्स्ट, तमिलनाडु में इसरो का जो दूसरा पोर्ट, स्पेस पोर्ट स्थापित किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, वो लोकेशन कौन सी है, जगह पूछी गई है? तो कुलसेकरन पट्टिनम, ये इसका राइट आंसर है। हाल ही में किस देश ने इसके उद्देश्य के संबंधित आलोचनाओं का सामना करने के बावजूद रमजान से पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया है? तो अल्जीरिया उसका नाम है। पहले लोकपाल अध्यक्ष के रूप में, लोकपाल चेयरपर्सन के रूप में अभी अपॉइंट किया गया फरवरी 2024 में जस्टिस एएम खानविलकर को। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए रहेगा, जो थीम रखी गई है प्रमोशन के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ताकि हर किसी को पता चले कि मेरे वोट का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस का पता चले, तो जो थीम है वो है मेरा पहला वोट देश के लिए, मेरा पहला वोट देश के लिए। अगला है वित्त वर्ष 2025 के लिए झारखंड में जो अभी एग्रीकल्चर के लिए जो लोन उसको जो माफ कर दिया जाता है, जो स्कीम है उसमें 2 लाख को जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ थाईलैंड ने जो है वो भी समझौता किया है। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सोवियत शासन के अंतिम वर्षों में
के बारे में फ्रांसीसी उपन्यासकार स्टाइलिन काउच के बंगाली अनुवाद के लिए जो सेवंथ संस्करण जो जीता है, जो सेवंथ एडिशन रहेगा, वो पंकज कुमार चटर्जी को दिया गया है। तो ये हमारे मार्च 2024 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस तरीके के आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रेपरेशन ऐप। और इस ऐप में हमारे एयरली के करंट अफेयर के साथ साथ मंथली वीकली क्विज भी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। इससे पहले 2024 की 3 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, जनवरी फरवरी के करंट अफेयर की। अब मार्च के करंट अफेयर भी की क्लास भी आज आपकी यहाँ पे अपलोड हो गई है। तो करंट अफेयर आप देख सकते हैं किस तरीके से एग्ज़ाम में आप धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर हम पीजीटी की बात करें, जो कि 7 अप्रैल 2024 को एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं फरवरी के करंट अफेयर की क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। फरवरी एंड मार्च के करंट अफेयर के क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे। तो अपडेटेड डाटा जो है वो पूछा जा रहा है, इसलिए करंट अफेयर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो कमेंट आप ज़रूर कीजिए कितनी आपकी तैयारी है करंट अफेयर की, और डाउनलोड कीजिए आप एप्लीकेशन को। वहां से फ्री टेस्ट सीरीज भी आप परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल 0 प्राइस उसका रखा गया है। फ्री में टेस्ट सीरीज आप उस देख सकते हैं, 10+ टेस्ट आपके लिए फ्री रहेंगे। और अगर आपको और ज़्यादा टेस्ट परचेज करने हैं तो उसकी नॉमिनल सी फीस रखी गई है, तो उसके द्वारा आप अपने लिए कोई भी कोर्स या टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।